नमस्कार दोस्तों, सुबह के करीब 7:30 बजे हैं और मैं 40 मिनट से अपनी गाड़ी में NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। बारिश हो रही है, बाहर बिजली कड़क रही है। मैं सुबह सुबह अचानक मेरी नींद खुली बारिश की बूंदों के शोर से, तो एक बेचैनी हुई कि चलकर देखता हूँ कि इस बारिश में कड़कती हुई बिजली के बीच किसान कैसे हैं। तो घर से यहाँ तक तो आया दोस्तों, जिस सड़क पर मैं हूँ, ये सड़क दिल्ली से यूपी वाली सड़क है, इस पर ट्रैफिक है और बार बार मैं आपको दिखा चुका हूँ कि दूसरी तरफ दो लेन जो है NH-24 का, उस पर किसानों का जमावड़ा है और यहाँ से वहाँ इस दो सड़क को मुझे पार करके उस तरफ जाना है। लेकिन लगातार इतनी बारिश हो रही है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा बारिश रुके तो मैं पार करके जाऊँ, क्योंकि कैमरा भी है, माइक भी है, मैं भी हूँ और क्या कहूँ, लगातार सुबह शाम यूँ भटकते हुए थोड़ा गला भी मेरा चोक हुआ है, सुबह गार्गल करके मैं भी निकला हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, शायद अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि यहाँ से इस कोने से उस कोने तक ये 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में तंबू कनात में, प्लास्टिक के वाटरप्रूफ टेंट में, ट्रॉली में और बहुत सारे ऐसे त्रिपाल के कनात में किसान हैं। आगे करीब 100-200 या ज़्यादा ऐसे टेंट बने हैं जो त्रिपाल के हैं, जो वाटरप्रूफ नहीं है। त्रिपाल आप समझते होंगे, तो यकीनन उसमें पानी जा रहा होगा। क्या उन्होंने रहने की कोई और व्यवस्था की? और जो सड़क पर भी टेंट में है, अगर वाटरप्रूफ टेंट भी हैं, तो जितनी सड़क पर पानी की धार दिख रही है अभी, और ये स्लोप है, ढलवा है, दिल्ली से यूपी की तरफ जो हाईवे है स्लोप है, आप पानी छपाछप पानी सड़क पर शायद आप देख पा रहे होंगे। मेरी गाड़ी के विंडशील्ड को रोकूंगा तो बारिश की रफ्तार भी आपको पता चलेगी। तो उस ढाल में, उस वाटरप्रूफ टेंट के भीतर भी पानी जाएगा। जो नीचे उन्होंने गद्दे लगा रखे हैं, उस गद्दे में भी पानी जाएगा। तो क्या स्थिति है, ये बेचैनी मेरी थी 1.5-2 घंटे से, और ये मौसम का पूर्वानुमान पहले से था मौसम विभाग का कि 3 और 4 को बारिश होगी। कल भी मैं सुबह आया था, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी, आज बारिश का पूर्वानुमान। सुबह की शुरुआत बारिश से हुई है और ठीक ठाक बारिश हो रही है। ठंड तो है ही, उसका क्या कहूँ, मैंने अभी भी बंद गले का पूरा जैकेट पहन रखा है। तो इस ठंड और बारिश में किसान ऐसे इस हाईवे पर हैं। और एक और फ़र्क है, यहाँ तो फिर भी NH-24 बहुत साफ़ सुथरी सड़क है, चमचमाती हुई सड़क जिसको कहते हैं, थोड़ी ढलान भी है, पानी इधर से उधर भी हो सकता है थोड़ी ढलान की वजह से जा रहा हो। लेकिन अगर मैं टिकरी बॉर्डर को याद करूँ, अगर मैं सिंघू बॉर्डर को याद करूँ, तो वहाँ ये स्थिति भी नहीं है, खासतौर से टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ थोड़े बेहतर इंतज़ाम भी हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पर शुरुआती 1 किलोमीटर को छोड़ दें तो आगे जो 12-15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ त्रिपाल टेंट या जो इंतज़ाम होने चाहिए, जितनी तादाद है किसानों की, वो नाकाफ़ी है। कीचड़ भी हो सकता है, कई जगह सड़कें टूटी हुई है, कई जगह कच्ची सड़क है, उस पर भी टेंट किसानों ने डाल रखे हैं। कई जगह ऐसा है कि ट्रॉली किसानों ने खड़ी की, ट्रॉली के बगल में ऐसे ही एक प्लास्टिक से या त्रिपाल से ऐसे कवर किया ट्रॉली के साइड को, और कुछ किसान ट्रॉली में हैं, कुछ उस कवर किए हुए त्रिपाल के नीचे हैं, लेकिन सड़क पर है। अब उस सड़क पर अगर पानी की धार चल रही है, कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ वाटर लॉगिंग होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से, जोखिम लेने में मुझे ये लग रहा है कि जहाँ गाड़ी से निकलूँगा बाहर लगभग 2-2.5 इंच पानी जमा है। मेरे भी कपड़े भीगेंगे और सबसे समस्या भींगने का नहीं है, सबसे समस्या उस कैमरे पर में पानी आने का है, ये देख पा रहे हैं। तो अगर ये वाटर लॉगिंग, जिसको पानी का जमाव, अगर 2-3 इंच सड़क पर पानी का जमाव हो रहा है, ये जमाव अगर उस इलाके में भी है जहाँ टेंट है, यहाँ या टिकरी या सिंघू या कहीं भी, तो उसके बाद क्या हो रहा होगा, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अगर मैं गाड़ी में यहाँ बैठा हूँ, भींगने से बचने के लिए मैं निकलने से पहले मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश की रफ्तार धीमी हो, तो जो लोग उसमें बैठे हैं ऐसे कनातों में जो वाटरप्रूफ नहीं है, उनमें क्या भगदड़ हुई होगी,
क्या कुछ किसान उठकर कहीं ट्रॉली में चले गए होंगे, यहां से अभी कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों। और ये यहां से आप तस्वीर देखें, मैं कैमरा सहयोगी से बोलूंगा, इस विंडो से आपको तस्वीर दिखाएं। ये देखिए दिल्ली की तरफ से सड़क है, ये सड़क आ रही है और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सड़कों पर ये पानी, आपको जो डिवाइडर है डिवाइडर के पास पानी का जमाव आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पानी के छपाके जैसी स्थिति, जब अगर गाड़ियां तेज़ी से जा रही है दूसरी लेन में आपको दिखेगा। और इसी में जो आपको कतार दिख रही है वो किसान के, ये देखिए पानी कितना है आप देख पा रहे हैं। इसी हाईवे पर किसानों के तंबू कनात लगे हुए हैं, अभी कोई हलचल नहीं दिख रही है क्योंकि बारिश से बचने के लिए, जैसे मैं अभी अपनी कार में हूँ, जैसे बारिश से बचने के लिए मैं अपनी कार में हूँ, वैसे किसान टेंटों में होंगे। लेकिन अगर पानी उनके टेंट में जा रहा होगा और आज और कल मौसम का पूर्वानुमान कुछ ऐसा ही अगर है, तो उनके कष्ट के बारे में सोचा जा सकता है, उनकी तकलीफ और आने वाले दो दिन की चिंता। लेकिन एक बात है, देखिए पानी आ रहा है, गाड़ी के अंदर पानी आने लगा जैसे शीशा, ये देखिए मैं गीला हुआ, सिर्फ शीशा खोलने की वजह से फ़र्क आप देख पा रहे हैं। अब इसको बंद करता हूँ मैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, ज़्यादा एडवेंचर करने से कैमरा भी ख़राब हो सकता है। चारों तरफ शीशा डाउन करके मैंने किया तो गाड़ी में शीशा आया, पानी आया, सॉरी माफ़ करें। अब अगर किसानों से बात करें, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं लगातार किसानों के बीच आ रहा हूँ, किसी से भी बात करूँगा मैं जानता हूँ, और कोशिश करूँगा कि बारिश थोड़ी थमे तो इस दो लेन को क्रॉस करके मैं उस लेन में जा पाऊँ। क्योंकि एक मुश्किल है, मैं जा भी सकता हूँ, मुश्किल है कि किस टेंट में घुसूँगा, क्योंकि सब ने बंद कर रखे होंगे, अपरिचित भी होंगे, असहज भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप किसी के टेंट में यूँ दाखिल भी नहीं हो सकते, सिर्फ दिखा पा रहे हैं जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, कि अगर मैं 10-20 लोगों से बात करूँ, जिस भी उम्र के लोग होंगे, चाहे बुजुर्ग होंगे चाहे युवा, कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत परेशान हूँ और अब तो एकदम यहाँ से जाना पड़ेगा, बारिश आ गई, आफत आ गई, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसी तरह की बात कल सुबह लोगों ने की थी। हाँ, इन मुश्किलों का सामना करने के लिए उनमें गजब की कमाल की दृढ़ता है, गजब का जज्बा है, किस बारिश की मुश्किल बूंदाबांदी से लेकर इस मूसलाधार बारिश तक, और इसके बाद आगे अगर दो दिन ऐसे ही, आज और कल ऐसे ही रहा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उससे इस चुनौती से दो चार होने की उनमें दृढ़ता है, शायद ऐसी ही बात वो करें। लेकिन फिर भी कल एक किसान ने यहाँ खुदकुशी की है, परसों एक किसान की ठंड से मौत हुई है, कल एक खबर आई सिंघू या टिकरी, वहाँ भी एक युवा की मौत हुई है दिल की गति रुक जाने से, हार्ट अटैक से। 40 से ज़्यादा किसानों की ऐसे मौत हो चुकी है। अब सवाल यही उठता है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। 4 तारीख यानी कल किसान नेताओं के साथ सरकार की बैठक है, उससे पहले कल यानी 2 जनवरी को किसान नेताओं ने 6 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के अपने आंदोलन के जो उनके चरण हैं, जो आंदोलन की रणनीति है, उसका ऐलान कर दिया है। ट्रैक्टर रैली से लेकर किसान गणतंत्र दिवस रैली से लेकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देशभर में मनाने की तैयारी, या राजभवन के बाहर प्रदर्शन की तैयारी, या KMP हाईवे जो है कुंडली पलवल वाला माफ़ करें हाईवे, गला मेरा थोड़ा, मेरा भी ख़राब हुआ है शायद ठंड की वजह से, उस हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी, या मार्च करेंगे अगर उनकी वार्ता विफल हुई, ऐसी तमाम बातें कल किसान माफ़ करें किसान नेताओं ने कही है। अब इंतज़ार हम सबको है कि 4 तारीख को बैठक से क्या रास्ता निकलता है। सरकार ने बार बार अपील की है किसान नेताओं से कि बुज़ुर्गों को, परिवार के लोगों को घर भेज दिया जाए, लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग से, किसी महिला से बात करेंगे तो फिर वही बात दृढ़ता की, कि अगर हमारे परिवार के बाकी लोग यहाँ हैं तो हम क्यों जाएं, और गांव में जाके क्या करेंगे, हम तो यहाँ से हक लेके जाएंगे।
और मुझे पता है कि इस 2 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में जो मल्टीपल लाइन है, मतलब 4 लाइन है, हजारों लोग हैं यहाँ, उसमें बहुत सारी सैकड़ों महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग इन्होंने ब्लॉक बना रखा है टेंट का, जो मैंने आपको परसों के वीडियो में दिखाया था। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग, वो एक ही बात कहेगा कि हम यहाँ से तभी जाएंगे जब सरकार हमारी मांगें मानेगी। अब सुबह होने को है, इनके लिए तो पता नहीं 4 बजे सुबह हो गई होगी, बारिश की बूंदाबांदी से थोड़ी हलचल कुछ एक दो किसानों की दिख रही है सामने, और इसलिए भी कि जो महिलाएं यहाँ रहती हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, सुबह नित्य क्रिया से फारिग होती हैं और 5 बजे से लंगर की तैयारी में जुटती हैं, क्योंकि जो किसान उठते हैं 6-6:30 बजे उठ के उसके बाद तैयार होकर बाहर आते हैं, उन किसानों के लिए चाय का प्रबंध लंगर में, चाय या जो भी बिस्किट, वो प्रबंध बहुत सारी महिलाएं करती हैं, और फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है, रोटी सब्जी, फिर लंच। तो इनकी दिनचर्या ही अलग है। रात में कल करीब करीब 12 बजे तक मैं यहाँ था, तब भी बहुत सारे किसान सड़क पर थे, बातें करते हैं, अपनी अगले दिन की बात होती है, जो हो रहा है वो बात होती है। तो अब सिर्फ सवाल, अब सिर्फ एक बार फिर देखिए पानी और सोचिए। और जब ये किसान कहते हैं मुझे, हमें कोई शौक नहीं है कि हम यूँ सड़कों पर बैठे रहें, वाकई कोई शौक से ऐसे नहीं बैठ सकता, तो सवाल है कि समाधान क्या है, सवाल है कि कल की बैठक में क्या होगा, सवाल है कि कल की बैठक में अगर बातचीत फिर से विफल होती है, जिसकी आशंका ज़्यादा है, क्योंकि कल भी किसान नेताओं ने कहा है कि किसानों की जो मुख्य मांगें हैं, MSP को कानूनी जामा पहनाया जाए और 3 कानून वापस लिया जाए। साफ साफ कल भी किसान नेताओं ने कहा कि सरकार इन 2 मांगों पर टस से मस होने को तैयार नहीं है, और सरकार की तरफ से लगातार ऐसे संकेत साफ साफ स्पष्ट तौर पर दिए जा रहे हैं कि ये 2 मांगें छोड़कर बाकी बातें करिए, संशोधनों की बात करिए, खामियों पर बात करिए। अब इतने स्पष्ट संकेत के बाद एक तरफ किसानों की दृढ़ता है, दूसरी तरफ सरकार की दृढ़ता है कि हम इससे पीछे नहीं जाएंगे, तो अब कल का इंतजार करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं इसके मानवीय पहलू को ज़्यादा देखता हूँ, बाकी चीज़ें आप सब देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ठीक है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, खुशहाल हैं, उनको क्या कमी है, खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लंगर चल रहा है, अच्छी रजाइयाँ मिली हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है। लेकिन मैं भी अपने घर से, अपने रूम से उठकर यहाँ आया हूँ। आप जब देखिए कुछ महिलाएं, देखिए वो महिलाएं और बच्चे हैं शायद, अब वो मेरे ख्याल से टॉयलेट के लिए वो लोग जा रही हैं, वहाँ सामने पोर्टेबल टॉयलेट है। अब बारिश में, या बुज़ुर्ग हैं जो भी हैं, ये देखिए अब वो बारिश में दीवार पर डिवाइडर पर चलते हुए डिवाइडर के पास से उस पोर्टेबल टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, जो पोर्टेबल टॉयलेट हाईवे पर रखा हुआ है। अब वहाँ तक बारिश ऐसी है अभी बूंदाबांदी कि वहाँ तक जाने में भी सिर गीला होगा, भींगेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो का मकसद इनकी मुश्किलें और परेशानियों से आपको रूबरू कराना था। देखते हैं, बारिश थोड़ी कम होती है तो फिर मैं उनके बीच भी जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और आज दिन में कोशिश करूंगा कि सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊं, किसी और जगह की भी तस्वीरें आपको दिखाऊं। फिलहाल नमस्कार।